आज से प्रदेश के 9वीं और 10वीं के कक्षाएं भी खुल गए हैं। बताते चले कि पहले से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खुल गई थी, लेकिन अनलॉक 5 के तहत 9वीं और 10वीं के कक्षाओं को खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी, जिसके बाद आज शनिवार से विद्यालय में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू हो गए हैं। हालांकि शनिवार का दिन है, इस वजह से विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम रही है, लेकिन विद्यालय आने के बाद छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। सभी स्कूल आने के बाद उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अभी तक कैसे पढ़ाई हो रहा है? अच्छा लगा। अभी तक घर में कैसे पढ़ाई हो रहा है? घर में ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। स्कूल आकर अच्छा लग रहा है हमें। घर में कैसे पढ़ाई हो रहा है? घर में उतना खास नहीं पढ़ाई हो पाता था, स्कूल आने से कुछ पढ़ाई हो रहा है। दोस्तों से भी मिल रहे हैं? यस सर। अच्छा लग रहा है। पहले जब घर पे रहते थे तो मतलब स्कूल पहले जाते थे तब लगता था कि जितना हो सके उतना छुट्टी हो, पर अब स्कूल आके लगता है कि छुट्टी ना हो। छुट्टी ना हो? यस सर। यहाँ क्लासरूम में पढ़ाई करके अच्छा लगा? यस सर। घर पे पढ़ाई हो पाती थी? नो सर, कभी फ़ोन नहीं रहता था, कभी नेटवर्क नहीं रहता था, इसके वजह से प्रॉब्लम होता था। आज पहला दिन है, आज तो सेक्शन ABCD दो क्लासरूम में बच्चों को बैठाया गया है और मैं समझता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है। आज पहला दिन अच्छी उपलब्धि है, बच्चे आए, बहुत उत्सुक भी हैं पढ़ने के लिए, बच्चे बहुत उत्सुक हैं। पहला दिन बच्चों की उपस्थिति नगण्य के करीब है, नगण्य ही माना जाएगा क्योंकि उपस्थिति होना चाहिए 50% में, कम से कम 75, और उपस्थिति अभी 40 के करीब है। और क्या कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं क्लासेस? हाँ, बच्चों के लिए मास्क भी रखे रहते हैं, जो भी लड़के के नहीं है वो आकर के ले भी जाते हैं। हमारे कमरों की सफाई बढ़िया से कर ली जा गई है, साथ साथ उसको सैनिटाइज भी कर दिया गया है, और सैनिटाइज करने के बीच बीच में करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामान उपलब्ध है, जिसकी मान जो गाइड दिया गया सरकार से उसका पालन हम लोग भली बात कर रहे हैं। इंतज़ार तो था ही, पर डर भी लग रहा है थोड़ा, मतलब अब हैविद शायद वैक्सीन लग जाता तो थोड़ा निडर होकर स्कूल आते ऐसा। लेकिन अभी तो बच्चों के लिए वैक्सीन आया नहीं है। आया नहीं है, पर डर लग रहा है ना हम लोग को, हम तो बच्चे हैं, हम लोग को तो और डर लगेगा। तो यहाँ पे कैसा मतलब कि व्यवस्था कैसा किया गया सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए? सैनिटाइजन तो आए थे, वैसे सैनिटाइज हुआ था क्लास, उसके बाद हम लोग बैठे थे अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हैं। स्कूल आने के बाद कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, दोस्त से मिले, बात किए, अच्छा ही लग रहा है। घर पे पढ़ाई हो पाती थी? हाँ, सर लोग ग्रुप पे भेजते थे, मैम लोग सब भेजती थी तो पढ़ते थे। लेकिन क्या लगता है ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कौन ज़्यादा बेहतर है? ऑफलाइन ही, क्योंकि सामने से मतलब सर मैम समझाते तो ज़्यादा समझ में भी आता और अच्छा भी लगता है, इसलिए ऑनलाइन में पढ़ तो लेते हैं पर उतना नहीं समझ में आता है जितना ऑफलाइन। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक तरह से हम लोग को वैक्सीन मिल जाता तो और ही अच्छा रहता है इसके लिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत दोस्तों लोग से मिलकर। आज पहला दिन है? हाँ, आज हम लोग का पहला दिन है। व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छे से। सैनिटाइजेशन वगैरह का? हाँ, सब चीज़ का। सब चीज़? हाँ। लेकिन डर क्या किस बात का लग रहा है? कि हम लोग को अभी वैक्सीन नहीं मिला है इसलिए। उत्साह कैसा नज़र आ रहा है बच्चे? हम लोग को तो उत्साह अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे जो है पहले से फर्स्ट डे स्कूल आए हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके मन में भय भी बना हुआ है कोरोना के प्रति, चूँकि इतने दिनों के बाद विद्यालय खुला हुआ है ना, लेकिन फिर भी वे कक्षा में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आए हैं विद्यालय पढ़ने को मौका मिल रहा है, कुछ सीखने को मौका मिल रहा है, इतने दिनों से सब कुछ हम लोग का समाप्त हो चुका था, फिर भी हम लोग ऑनलाइन कक्षा ले रहे थे, बच्चे उसे लाभान्वित हो रहे थे। अगर बात करें तो क्लासरूम स्टडी की तो नए शैक्षणिक सत्र में यह पहला दिन होगा? जी, पहला दिन है, इस साल इस वर्ष का पहला दिन है जी। अप्रैल से अभी आपका अगस्त हो गया, 7 तारीख है, लेकिन पहला दिन कक्षा चल रही है। तो बच्चों में उत्साह है? जी, उत्साह है, उत्साह देखने को मिल रहा है, और बच्चे जो हैं सीखने के लिए ललायत हैं, उत्सुक हैं कि कुछ सीखें पढ़ें हम लोग, चूँकि इनके सिर पर बोर्ड की परीक्षा भी सवार है,
हम लोग का भी कर्तव्य है जितना जी जान लग करके हम लोग इनको अच्छी तरह शिक्षा दें ताकि इनको सफलता मिले, हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो। तो सुना आपने, छात्र छात्राओं में एक और उत्साह है। वहीं शिक्षकों ने भी साफ कहा कि लंबे समय बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, नए शैक्षणिक सत्र में पहला दिन है, ऐसे में सभी के चेहरे पर पढ़ाई को लेकर उत्साह नज़र आ रहा है। और शनिवार का दिन है इसलिए उपस्थिति कम रही है, लेकिन उन्हें पूरा उम्मीद है कि धीरे धीरे छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी। विद्यालय में कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल पूरे किए गए हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।